हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी वेब सीरीज को जिसका नाम है शेडो एंड बोन्स, जो आजकल लोगों को बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इस वेब सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में कुछ लोगों के पास खास शक्तियां होती हैं जिन्हें ग्रीशा कहा जाता है। जैसे कुछ लोग हवा को काबू कर पाते हैं जबकि कुछ लोग अपनी शक्तियों से लोगों के दिल को रोक सकते हैं जिन्हें हार्ट रेंडर कहा जाता है। पर इसके अलावा कुछ लोगों के पास बहुत खास शक्तियां भी होती हैं और ये राक्षस कौन है हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। सीरीज की शुरुआत में हम एलिना को देखते हैं जो ईस्ट ड्राफ्टा में रहती है और इसका काम सेना में नक्शे बनाने का है और ये दुनिया के बीच में काले साय को पार करने के नक्शे बनाते हुए देखती है कि ये काला साया बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ जाने का कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए इसे पार करके ही जाना होगा। लेकिन बहुत कम लोग ही इस साय को पार करके दूसरी तरफ जा पाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक शैतानी राक्षस है। तभी हम यहाँ पर मेल को देखते हैं जो एलिना का बचपन का दोस्त है और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी सीनियर इन्हें अपने पास बुलाते हैं और ऐलान करते हैं कि सेना की एक टुकड़ी को साय के उस पार जाना होगा और फिर ये लोग एक जहाज में बैठ जाते हैं जिसमें एक ग्रीशा भी होती है और वो इन्हें बताती है कि हम सिर्फ नीली रोशनी के सहारे ही उस साय को पार करेंगे क्योंकि रोशनी से वो राक्षस हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसके बाद ये सब लोग जहाज में बैठकर काले साय के अंदर चले जाते हैं और इनमें से एक ग्रीशा हवा की मदद से जहाज को आगे बढ़ाता है, पर जल्दी ही इनके चारों तरफ वो राक्षस उड़ने लगते हैं। तभी नीली लाइट भी बंद हो जाती है, इसीलिए एक सैनिक लालटेन जला देता है, लेकिन उससे राक्षस आकर्षित हो जाते हैं और एक राक्षस उस सैनिक को उठाकर ले जाता है और फिर इसके बाद वो एक एक करके इन सबको जहाज से उठाकर ले जाने लगते हैं और लालटेन से जहाज पर आग भी लग जाती है, इसीलिए राक्षस अब नाव की तरफ आकर्षित होने लगे हैं और वो ग्रीशा को भी उठाकर ले जाते हैं। तभी एलेक्सी नाव पे से कूद जाता है और फिर एलिना देखती है कि एक राक्षस मेल को पकड़कर ले जा रहा है, जिसे बचाने के लिए एलिना फौरन उसे शूट कर देती है और फिर मेल के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी एक और राक्षस आकर एलिना को ले जाने लगता है, पर तभी एलिना की शक्तियां जाग जाती है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और फिर इसके बाद साय के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, पर उस साय में से सिर्फ एलेक्सी ही बाहर निकलकर आता है जो नाव में से कूद गया था। और फिर इसके दो हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ड्रेसन ने एलेक्सी को लोगों से छिपाकर रखा हुआ है और फिर ये केन और उसकी टीम को बुलाकर कहता है कि दो हफ्ते पहले जो जहाज काले साय में गया था उस पर राक्षसों ने हमला कर दिया था, सबका मरना तय था, पर फिर भी वो जहाज उस साय को पार करके दूसरी तरफ आ गया क्योंकि उस दिन वहां पर एक चमत्कार हुआ था जो सिर्फ एलेक्सी ही जानता है, पर ये हमें बता नहीं रहा, इसीलिए ड्रेसन एक ग्रीशा की मदद से इसके दिमाग से जबरदस्ती जानकारी निकाल लेते हैं जिसमें एलेक्सी इन्हें बताता है कि उस दिन मैं जहाज से कूद गया था पर मैंने देखा कि जहाज पर एक लड़की के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली थी जिसकी वजह से आसपास के सभी राक्षस खत्म हो गए और वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो एक सन समनर थी, यानी उसके अंदर सूरज की शक्तियाँ थी जो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो उस पूरे साय को ही खत्म कर सकती है, पर उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है इसीलिए उसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद जनरल क्रिगन के लोग आकर उन्हें अपने साथ ले गए। तभी ड्रेसन एलेक्सी को गोली मार देता है ताकि ये जानकारी बाहर ना आ पाए और फिर कैस से कहता है कि फौरन उस काले साय को पार करने की तैयारी करो क्योंकि उसकी दूसरी तरफ वो लड़की एलिना है जो मुझे हर हाल में चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे भी दूंगा, जिस पर कैस मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस दिन हीलर ने एलिना को ठीक कर दिया था और फिर जोया कहती है कि इसे फौरन जनरल के पास ले जाओ और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एलिना को जनरल किरिगन के पास ले आते हैं और फिर जनरल किरिगन एलिना से कहते हैं कि सालों से हमें तुम्हारी ही तलाश थी, एक ऐसी ग्रीशा जिसके पास सूरज की शक्ति है, सिर्फ तुम ही उस काले साय को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। पर एलिना कहती है कि मैं कोई ग्रीशा नहीं हूँ बल्कि एक आम लड़की हूँ, पर जनरल कहते हैं कि वो तो अभी ही पता चल जाएगा और फिर जनरल जब इसे चेक करते हैं तो इसके अंदर से बहुत तेज सूरज की रोशनी निकलती है जिससे साबित हो जाता है कि एलिना ही सन समनर है और फिर जनरल कहते हैं कि फौरन एलिना को हमारे ग्रीशा महल ले जाओ, पर एलिना महल में जाना नहीं चाहती क्योंकि वो मेल के साथ रहना चाहती है, पर ये लोग एलिना को जबरदस्ती बग्गी में बिठाकर अपने साथ महल में ले जाने लगते हैं जबकि मेल इसका पीछा करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। और फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर हम देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है और जब ये लोग उतरकर चेक करते हैं तो इनके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। ये लोग
लोग अपनी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक दुश्मन एलिना को पग्गी से पकड़कर खींच लेता है और कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल किरिगन आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दुश्मन के टुकड़े कर देते हैं और एलिना से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। और फिर एलिना को लेकर अपने साथ तेज घोड़े पर रवाना हो जाते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं, जहां पर एलिना पूछती है कि वो सब क्या था, जिस पर जनरल बताते हैं कि वो फुर्दन सेना के सिपाही थे जो तुम्हें अगवा करने या जान से मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि सिर्फ तुम ही साय के अंदर जाकर उसे अंदर से खत्म कर सकती हो, इसीलिए हमें हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। पर एलिना कहती है कि मैं ग्रीशा नहीं बनना चाहती। और इधर हम देखते हैं कि एक वापस आए हुए सिपाही से मेल को पता चलता है कि एलिना के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद मेल को एलिना की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि जनरल भी एलिना को लेकर जल्दी ही ग्रीशा महल में आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि ये इस देश की सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और फिर सिपाही एलिना को उसके कमरे तक ले जाने लगता है। इसके बाद अगले दिन सुबह के ख्वाब में एलिना को एक खास बारहसिंगा दिखाई देता है, पर तभी इसकी आँख खुल जाती है और कमरे में फौरन जेनिया आ जाती है, जो कहती है कि फौरन इसे तैयार करो क्योंकि अगले एक घंटे में इसे राजा से मिलना है। और फिर ये लोग एलिना को नहला धोलाकर तैयार करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जेनिया भी एक ग्रीशा है। इसकी शक्ति है जख्म भरना और लोगों का हुलिया संवारना। और फिर इधर हम केस को देखते हैं जो एक वैज्ञानिक से मिलता है जो इन्हें साया पार करवाएगा ताकि ये लोग वहाँ से एलिना को अगवा करके ले आ सके। और इधर जेनिया भी एलिना को तैयार करके राजा के पास ले जाने लगती है और फिर जनरल जल्दी ही एलिना को राजा के पास ले आते हैं और राजा से कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसके पास सूरज की रोशनी है। और फिर जनरल अपनी शक्तियों से चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं और एलिना से कहते हैं कि अब बुलाओ सूरज की शक्ति को। और फिर एलिना का हाथ पकड़ते ही उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे काला साया खत्म हो जाता है। राजा कहते हैं बहुत खूब, जल्दी से इसे ट्रेन करो ताकि हम उस काले साय को जल्द से जल्द खत्म कर सके, क्योंकि साय के दूसरी तरफ के लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अपना अलग देश बना सके, पर हम साय को खत्म करके उनका ये सपना चकनाचूर कर देंगे। और इधर साय के दूसरी तरफ वैज्ञानिक केज और उसकी टीम को साय के दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजाम कर लेता है जो इसने खुद बनाई है, लेकिन तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, इसीलिए ये लोग फौरन ट्रेन में बैठ जाते हैं और उस ट्रेन को चालू कर देते हैं। और इधर महल में हम देखते हैं कि एलिना की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जोया एलिना को खास पसंद नहीं करती और ट्रेनिंग के दौरान उस पर एक जोरदार हमला भी कर देती है। तभी फिर से एलिना को बारहसिंगा दिखाई देता है, लेकिन इसकी दोस्त फौरन इसे उठा लेती है। इसके बाद एलिना इस बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर इसे फादर मिलते हैं और वो इसे बताते हैं कि पहले ग्रीशा ने इस जादू की शुरुआत की थी जिसमें उसने अपनी उंगलियों की हड्डियों से कुछ जानवर बनाए थे और जो भी ग्रीशा उन खास जानवरों की हड्डियों को अपने साथ जोड़कर इस्तेमाल करेगा तो उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे की शक्तियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन खास जानवरों में बारहसिंगा भी शामिल है। और फिर इधर दूसरी तरफ केज अपने साथियों के साथ काले साय को पार कर रहा होता है, लेकिन तभी वो राक्षस इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी जेस्पर अपने तेज निशानेबाजी से उन सभी राक्षसों को शूट करने लगता है। लेकिन तभी एक राक्षस ट्रेन की छत तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जेस्पर फट से हेडशॉट मारकर उसे भी निपटा देता है। और फिर जल्दी ही ये लोग साय के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि मेल के सीनियर इन्हें बताते हैं कि जनरल किरिगन ने एक नियोता भेजा है, जो भी इंसान इस खास बारहसिंगा को ढूंढेगा वो उसे अपने महल में बुलाकर खास इनाम देंगे। जिस पर मेल कहता है कि मैं उस बारहसिंगा को ढूंढूंगा क्योंकि ये जानता है कि एलिना तक पहुंचने का यही रास्ता है। और फिर मेल अपने दो साथियों के साथ उस बारहसिंगा की तलाश में जंगलों में निकल जाता है। और इधर एलिना भी दिन ब दिन अपनी शक्तियों को काबू करती जा रही है जिससे उसकी शक्तियां बढ़ने लगी है। इसके बाद एलिना रात को जब जनरल के पास आती है तो वो काफी दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि साय के दूसरी तरफ के हमारे लोग गद्दारी करके अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, जबकि मैं सालों से उनके लिए लड़ता आ रहा हूँ। पर जैसे ही एलिना इसका हाथ पकड़ती है तो तेज रोशनी हो जाती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। जनरल इसके करीब आने की कोशिश करता है पर एलिना यहाँ से चली जाती है। और इधर मेल भी जंगलों में उस बारहसिंगा को ढूंढ रहा होता है। और इधर बागरा एलिना से कहती है कि
बहुत बढ़िया, अब आगे काम शुरू करते हैं। और इधर जंगल में हम देखते हैं कि मेल और उसके साथियों के ऊपर कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। मेल उन लोगों को मार तो देता है, लेकिन इसके दो साथी भी मारे जाते हैं। और फिर तभी मेल के सामने वो खास बारहसिंगा भी आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सर्कस के लोगों के साथ मिलकर केज और उसकी टीम ग्रेशिया महल के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर महल में जब जनरल एलिना के पास आते हैं तो एलिना उनसे कहती है कि मैं अब तैयार हूँ, उस साय को मिटाकर हम लोगों को फिर से एक कर सकते हैं और ग्रीशाएं फिर से सर उठाकर जी सकेंगी। और फिर एलिना जनरल के पास आकर उन्हें किस कर लेती है। तभी जनरल के लोग आकर कहते हैं कि आपसे मिलने कोई आया है। इसीलिए जनरल जब बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर मेल आया था, जो कहता है कि मैंने उस बारहसिंगा को देखा है, पर मैं उसका सही पता तभी बताऊंगा जब आप मुझे एलिना से मिलवाओगे। मैं उसे जानता हूँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। जनरल कहते हैं ठीक है, यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जबकि इधर हम देखते हैं कि केस का साथी वैज्ञानिक एलिना के कमरे में घुसकर चाकू से उसका गला काट देता है। तभी यहाँ पर जेनिया आ जाती है, लेकिन वो इसे भी गोली मारकर भाग जाता है। पर बाहर सिपाही इसे पकड़ लेते हैं। और अंदर हम देखते हैं कि वो लड़की जेनिया से कहती है कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं मरना चाहती। तभी जेनिया एलिना का चेहरा हटा देती है, क्योंकि ये लड़की एलिना नहीं थी। और इधर हम देखते हैं कि बागरा के साथी मेल को अपने साथ अलग में ले आती है और इसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि जनरल बारहसिंगा तक पहुंचे। मेल इससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और फिर आखिरकार इस लड़की को मारकर यहाँ से भाग जाता है। और महल में हम देखते हैं कि जनरल एलिना को एक कमरे में ले आते हैं और फिर ये आपस में प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी एक सिपाही आकर दरवाजा खटखटाता है और जनरल से कहता है कि एलिना को मारने की कोशिश की गई थी। जनरल एलिना से कहते हैं कि यही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आया। और फिर जनरल के जाते ही कमरे में पीछे से बागरा आ जाती है और कहती है कि फौरन मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जनरल उस साय को खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद से उसे बढ़ाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसने काले साय को बनाया था। पर एलिना को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर ये कहती है कि मैं जनरल की माँ हूँ, वो हजारों सालों से कई अलग अलग नामों से जी रहा है सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार में, और तुम बेवकूफ, उसे वो बारहसिंगा देने ही वाली थी जिसकी मदद से वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता। बागरा बताती है कि आज से सैकड़ों साल पहले मेरा बेटा इंसानों के साथ शांति से रहना चाहता था, पर इंसान हमेशा से ही ग्रीशाओं को अपना दुश्मन समझते आ रहे हैं। एक दिन राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, इससे पहले वो अपनी बीवी के साथ भाग पाता उससे पहले ही सैनिक आ गए, इसीलिए किरिगन बाहर आ गया। सैनिक इसके ऊपर फौरन तीर चला देते हैं जिनसे ये जख्मी हो जाता है, लेकिन इसकी बीवी एक हीलर है इसीलिए वो अंदर से ही इसके जख्म भर देती है। सैनिक बार बार तीर मारते जाते हैं और इसकी बीवी जख्म भरने लगती है, लेकिन तभी एक सैनिक चुपके से इसकी बीवी को पकड़कर ले आता है। किरिगन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस हम दोनों को राजा के सामने पेश कर दो। पर ये लोग इसके सामने ही इसकी बीवी को मार देते हैं, जिस पर किरिगन गुस्से से बेकाबू हो जाता है और फिर अपनी शक्तियों की मदद से इनके टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर फौरन अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरा हीलर नहीं मिलता जो इसके जख्म भर सके, इसीलिए इसकी बीवी मर जाती है, जिसके बाद इसकी माँ इसे समझाती है, पर इसने फैसला कर लिया है कि अब ये शांति से नहीं रहेगा। तभी राजा के और सैनिक इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और फिर जब किरिगन बाहर आता है तो सैनिक इससे कहते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम बाकी सबको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें खबर मिली है कि तुम बाकी क्रिशाओं को इकट्ठा करके अपनी सेना बना रहे हो। जिस पर किरिगन कहता है कि मेरे पास अपनी सेना नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम सबको अपनी सेना बनाता हूँ। और फिर किरिगन अपनी काली शक्तियों की मदद से इन सबको अपने काबू में कर लेता है, और इसी काली शक्ति से उस दिन ये इतना बड़ा काला साया यहाँ पर बना था, जो मेरे बेटे किरिगन ने ही बनाया था। और उस दिन के बाद से ही उसने ठान लिया था कि एक दिन यहाँ पर क्रिशाओं की हुकूमत होगी और कोई भी इंसान हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। बागरा एलिना से कहती है कि तुम उससे अभी लड़ नहीं पाओगी क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, इसीलिए इस रास्ते से सीधी बाहर चली जाओ, इस महल से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। और बाहर जब जनरल एलिना को ढूंढते हुए आते हैं तो इसकी माँ आकर कहती है कि मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, जिस पर जनरल कहते हैं कि उससे दूर रहना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। और बाहर जेस्पर देखता है कि एलिना खुद ही चुपके से इनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, और फिर जब केज यहाँ पर आता है तो ये गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जनरल वैज्ञानिक से पूछताछ करता है तो इसे पता चलता है कि इसने साय के दूसरी तरफ के जनरल से सौदा किया था, क्योंकि वो अपने अलग देश की मांग
मांग कर रहे हैं, पर अगर साया खत्म हो गया तो उनकी मांग भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने एलिना को मारने का प्लान बनाया था ताकि काला साया खत्म ना हो पाए। ये जानकारी मिलने के बाद जनरल इसे अपनी काली शक्तियों से खत्म कर देते हैं। और इधर एलिना जब बग्गी से बाहर निकलती है तो उसके सामने केज और उसके साथी होते हैं, लेकिन ये इन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में इसे कुछ और सिपाही भी मिलते हैं, पर एलिना उन पर भी हमला करके यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर इसे मेल मिल जाता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाती है। और फिर रात को जब ये जंगल में एक जगह पर ठहरते हैं तो मेल इसे बताता है कि मैं उस 12 सिंगा को ढूंढता हुआ आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, और मुझे वो 12 सिंगा मिल भी गया था। एलिना कहती है कि तुमने जनरल को उसका पता तो नहीं बताया, जिस पर मेल कहता है नहीं, मैंने उसका पता नहीं बताया। एलिना कहती है कि जनरल को वो 12 सिंगा किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए, हम जंगल की तरफ जाएंगे उस 12 सिंगा को ढूंढने के लिए, हो सकता है कि उसकी मदद से मेरी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जिसके बाद मैं उसकी मदद से काले साए को खत्म कर सकती हूँ। इसीलिए ये दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। और इधर जनरल भी जब शहर में लोगों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि एलिना जरूर 12 सिंगा को ढूंढने के लिए जंगल में गई होगी। और इधर हम देखते हैं कि जंगल में जल्दी ही इन दोनों को वो 12 सिंगा दिख जाता है, और जब एलिना उसके करीब जाकर छूती है तो इसकी शक्तियाँ जागने लगती हैं। पर तभी जनरल के सिपाही इस पर हमला कर देते हैं और 2 तीर मेल को भी लग जाते हैं। और फिर जल्दी ही यहाँ पर जनरल आकर जैसे ही 12 सिंगा को मारने वाला होता है, तभी एलिना सुरक्षा कवच बना लेती है। पर जनरल कहते हैं कि तुम ज्यादा देर तक उसे नहीं बचा सकती, तुम्हारे साथी का खून बह रहा है और सिर्फ मेरा हीलर ही उसे बचा सकता है, इसीलिए 12 सिंगा मुझे दे दो और अपने साथी को बचा लो। मेल को मरता हुआ देखकर एलिना 12 सिंगा को छोड़ देती है। तभी जनरल अपनी शक्तियों से उस 12 सिंगा के 2 टुकड़े कर देता है और फिर अपने हीलर से कहता है कि मेल के जख्म भरो। और फिर ये इन्हें अपने कैंप में लाने के बाद एलिना से कहता है कि हम दोनों साथ में बहुत ताकतवर हैं, पर एलिना कहती है कि तुम साय को मिटाना नहीं चाहते बल्कि उसे हथियार बनाना चाहते हो, जिस पर जनरल कहता है कि इस पर हड्डियों के जादू की रस्म शुरू करो। और फिर ये 12 सिंगा के सींगों को एलिना के गले में रखते हैं और उसकी एक हड्डी को जनरल के हाथ में, और फिर एक ग्रीषा इन दोनों को 12 सिंगा की हड्डियों से जोड़ देता है। और अब जनरल जब चाहे जैसे चाहे एलिना की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हड्डियों की मदद से ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। इसके बाद ये मेल और एलिना को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और एलिना को एक अलग कैंप में रख देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि केज और उसके लोग जनरल के सिपाहियों पर हमला करके उनके कपड़े चुरा लेते हैं। और इधर मेल भी चुपके से अपनी हथकड़ियाँ खोल लेता है और यहाँ से भाग जाता है। और इधर जनरल जल्दी ही एलिना को लेकर काले साए को पार करने की तैयारी करता है, और इसके साथ बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी लोग भी होते हैं जो सरकारें चलाते हैं, क्योंकि आज जनरल इन सबको दिखाना चाहता है कि वो इन सबको काबू करेगा और जिसने भी इसका हुक्म नहीं माना उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। पर इस जहाज पर मेल और केज भी अपनी टीम के साथ छिप जाते हैं और जल्दी ही इनका जहाज काले साए के अंदर चला जाता है। पर जल्दी ही राक्षस इनके चारों तरफ मंडलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए जनरल एलिना की शक्तियों का इस्तेमाल करके रोशनी की एक सुरंग बना देता है, जिससे वो राक्षस अभी इनके करीब नहीं आ पाएंगे। तभी जोया अपने साथी से कहती है कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए बेकरार हूँ, क्योंकि वो साय के दूसरी तरफ है। और साय के दूसरी तरफ हम एक और जनरल को देखते हैं जो कहते हैं कि उन लोगों को आते ही फौरन मार देना, क्योंकि वो लड़की साय को मिटा सकती है, इसीलिए हमारी आजादी के लिए खतरा है। और अंदर हम देखते हैं कि साय को पार करने से ठीक पहले ही जनरल जहाज को रोक देता है और काले साय को काबू करके उसे पहले से और ज्यादा आगे बढ़ा देता है, जिससे ये पूरा शहर काले साय के अंदर समा जाता है। जोया भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके लोग भी अब उन राक्षसों में बदलने लगे हैं। नीचे केज और मेल कहते हैं कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और ऊपर जनरल इन सभी सरकारी लोगों को धमकाने लगता है कि ये काला साया अब मेरे काबू में है, मैं इसे जहाँ मर्जी चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ, किसी भी सरहद को मिटा सकता हूँ और किसी भी शहर को खत्म कर सकता हूँ, इसीलिए अपने देशों में जाकर कहो कि आज के बाद सारे देश हमारे सामने झुक कर रहेंगे। तभी मेल आकर यहाँ पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जनरल का हार्ट रेंडर उसका दिल काबू करके उसे गिरा देता है। जनरल कहते हैं कि जिंदा रखो, इसे आगे काम आएगा। और एलिना भी कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि जोया जहाज को आगे बढ़ाने लगती है और सिपाही जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो तभी पीछे से इनेजी इस पर हमला कर देती है, क्योंकि जोया अपने लोगों को मरता हुआ देखकर जनरल के खिलाफ
हो गई है। इनेज तेजी के साथ उस सिपाही को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो इसका दिल रोक देता है, लेकिन जोया अपनी शक्तियों से उसे बाहर फेंक देती है और तभी राक्षस उसे काले साए के अंदर खींच लेते हैं और मौका मिलते ही इनेज उसे चाकू मार देती है, पर जनरल को इससे कुछ नहीं होता और वो जहाज के पिछले हिस्से से रोशनी हटा देता है, जिसके बाद राक्षस इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इनेज इनसे लड़ने की कोशिश करती है पर इसके हथियार खत्म हो जाते हैं। तभी केज आकर उस राक्षस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे राक्षस को कुछ नहीं हो पाता। तभी एलिना को ख्वाब में बारह सिंगा दिखाई देती है, जिसका इशारा एलिना समझ जाती है और फिर वो जनरल के पास आते ही चाकू से उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे बारह सिंगा की हड्डी उसके हाथ से निकल जाती है। इसीलिए जनरल अब एलिना की शक्तियों को काबू नहीं कर सकता और फिर एलिना अपनी शक्तियों से काले सायों को दूर कर देती है। जनरल कहता है कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कैसे आई, उस बारह सिंगा को तो मैंने मारा था। जिस पर एलिना कहती है कि तुम उसे मारकर उसकी शक्ति हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हारा नहीं है, उस बारह सिंगा ने मुझे चुना था। तभी मेल जनरल पर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों जहाज से बाहर गिर जाते हैं और फिर मेल जनरल से लड़ने की कोशिश करता है, पर ये जनरल के आगे नहीं टिक पाता और पीछे से जनरल का हार्ट रेंडर भी एलिना के दिल को रोक देता है, जिससे उसकी रोशनी भी खत्म हो जाती है और काला साया वापस आ जाता है। तभी जेस्पर भी इस पर हमला करता है तो वो इसके दिल को भी रोक देता है, पर जेस्पर इसे पट से हेडशॉट मार देता है और नीचे मेल को गन मिलते ही वो जनरल पर शूट करने लगता है, पर इससे जनरल को कुछ नहीं होता। तभी साय के राक्षस आकर जनरल पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं और ऊपर जहाज पर एलिना भी बेहोश पड़ी होती है, इसीलिए राक्षस अब इनके जहाज पर भी आने लगते हैं। लेकिन तभी एलिना होश में आ जाती है और ये लोग जल्दी ही जहाज को साय से बाहर ले आते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। एलिना कहती है कि हमें इस साय को खत्म करना होगा, पर केस कहता है कि तुम्हें अगवा करने पर हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं, जिस पर एलिना इसे एक कीमती हार दे देती है और फिर जोया कहती है कि लोग अब ग्रीशाओं से और भी नफरत करेंगे, क्योंकि जनरल ने पूरे शहर को खत्म कर दिया है और साय को भी पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। पर एलिना कहती है कि मैं इस साय को जरूर खत्म करूंगी, लेकिन मेल कहता है कि अभी तुम उतनी ताकतवर नहीं हो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल भी साय से बाहर निकल आता है, क्योंकि वो साया इसे कैसे खत्म कर सकता है जो इसने खुद बनाया है। और फिर ये साय से कहता है कि मेरे पीछे आओ और फिर उसमें से काली शक्तियां निकलकर जनरल के पीछे आने लगती हैं, मतलब अब ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका है। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट पर सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। और क्या अब एलिना अपने उसी मास्टर को रोक पाएगी जिसने उसकी शक्तियों पर काबू पाना सिखाया है? और इन सभी सवालों के जवाब और अब इस काले साय का क्या होगा, हमें सीजन 2 में पता चलेगा, क्योंकि सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और जिसे जिसे सीजन 2 चाहिए, कमेंट में एलिना को सपोर्ट करो, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हमें सीजन 2 लाने का मोटिवेशन मिलेगा। और आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियो मिलते रहे, इसीलिए इस शानदार चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।